हाय शार्क्स, मेरा नाम दीपक भुवनेश्वरी उनियाल है। मैं रवि माथुर। और मैं शिल्पा, हम इंश्योरेंस समाधान के को-फाउंडर्स हैं। शार्क्स, याद कीजिए वो टाइम जब हमारा कोई अपना फैमिली मेंबर या फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिटेड था। हम इंश्योरेंस लेते हैं इस उद्देश्य से कि जब कोई बुरा टाइम आएगा तो वो हमारी हेल्प करेगा, बट हमेशा हमें टेंशन रहती है वो मिलेगा क्लेम के नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारे देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में नहीं पता और इसी वजह से बहुत मिस सेलिंग होती है। एक बुजुर्ग आदमी को FD बोल के इंश्योरेंस बेच दिया जाता है, एक बिजनेसमैन को लोन का लालच दे के इंश्योरेंस बेच दिया जाता है। ऐसी ही बहुत सारी समस्याओं को समझने के बाद हम फाउंडर्स ने टोटल अपना जो इंश्योरेंस का 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसको लेके स्टार्ट किया इंश्योरेंस समाधान। शार्क्स, इन 3 सालों के सफर में हमने 14,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया है और 30 करोड़ से ज्यादा का क्लेम अमाउंट, जो कि लोगों का हक का पैसा था, उन्हें दिलवाया है। शार्क्स, मेरे को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम एशिया की इकलौती ऐसी स्टार्टअप है जो लाइफ, हेल्थ, जनरल तीनों टाइप के इंश्योरेंस में हर तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। इसके लिए हम अपनी कंपनी का 1% 1 करोड़ के अगेंस्ट आपको ऑफर कर रहे हैं। शार्क्स, इंश्योरेंस चाहिए दिल से, क्योंकि शार्क दिल से थामा है आपका हाथ हर कदम पर आपके इसका साथ। भी इंश्योरेंस दे देना है। So, दीपक, रवि, शिल्पा, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बहुत बड़ी प्रॉब्लम का आप समाधान लेकर आए हैं। काफी, हाँ, और बहुत भारी वैल्यूएशन। अनुपम जी चेयर से गिरने वाले थे अभी। तो आप कैसे एक दूसरे को जानते हैं, आप क्या करते हैं इस बिजनेस में, आप तीनों को फाउंडर हैं, इक्विटी कितनी है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए पहले। सो हम 5 को फाउंडर्स हैं। अच्छा। 3 यहाँ पे हैं, 2 आर बैक होम वर्किंग हार्ड। हम में से जो 3 को फाउंडर हैं, मैं, शिल्पा और शैलेश, हम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में काम करते थे। 2014 में हमको एक दिल्ली के बहुत सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिसर मिले। उन्होंने बताया कि उनके फादर, जो उस समय 72 ईयर्स के थे, उनके साथ फ्रॉड हुआ था और वो फ्रॉड 6 साल लगातार होता रहा। ओह माय गॉड। उनको 42 इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची गई थी, 6 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी की, और 38 लाख का प्रीमियम था टोटल। इनको जब पता चला, द बेस्ट ही कुड डू इज फ्रॉड था, दैट पर्सन वेंट टू द जेल, बट बीगर दिल्ली पुलिस ऑफिसर 1 रुपये नहीं निकाल पाए। हमने उनको हेल्प करना शुरू किया एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 4 to 5 months उनके सारे के सारे पैसे उनके फादर के वापस आ गए, पूरे 38 लाख। थैंक यू। मैं समझता हूँ ये तकलीफ पाना कि कोई ऐसा कर सकता है, भरोसा टूट जाना बहुत तकलीफ की बात होती है, तो ये काम जरूरी है। तो आप मुझे ये समझाएं कि आप कैसे करते हैं, कोई प्रोडक्ट है, ऐप है? हमारी एक वेबसाइट है, एक व्हाट्सएप की बॉट बनाई हुई है, उस पर आप व्हाट्सएप की बॉट पे हाई लिखिए, एक बॉट स्टार्ट हो जाएगी, वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेगी, आपकी उम्र, पॉलिसी टाइप, कुछ क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। उसके बेसिस पे हमारा इंजन आपको बताता है कि आपके केस में प्रूफ्स में दम है या नहीं है। हम अपने प्लेटफॉर्म पे आए हुए 100 लोगों में से परसेंटेज वाइज 5 या 7 लोगों को ही केस एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनीज करना नहीं चाहती है रिजॉल्व, दे करना चाहती हैं, बट जो गैप है वो कम्युनिकेशन का गैप है, क्योंकि इंश्योरेंस एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको बताई भी जाती है, वो बहुत केसेस में नहीं बताते या फिर आपको समझ नहीं आती, लेकिन जब वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ आता है तो आपको लगता है नहीं, मेरे साथ गलत हुआ है, ऐसा होता नहीं है। यूजर एक्सपीरियंस समझकर, लेकिन आप उसमें से पैसे कैसे कमाते हैं? जब आपका केस सॉल्व हो जाता है और आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो हम सक्सेस फी लेते हैं। कितना लेते हैं? 12% एज ऑफ नाउ। 12%, ओके। सो दैट्स अनदर USP के हम पैसे बाद में लेते हैं। तो आपको पता है कि इंडिया में बैड डेट्स, मतलब पैसे ना मिलना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये आपके साथ होता है कि कस्टमर को पैसे मिल जाते हैं बट आपको पे करने में बहुत टाइम लगता है? सो अभी तक कोई बैड डेट नहीं है, बट ये परसेंटेज बहुत मिनिस्कुल है, क्योंकि एक तो हम वो पैसा ला रहे हैं जो ऑलरेडी डूब गया है, सो कस्टमर वैसे ही बहुत खुश है। हैविंग सेड दैट, हमने अपने फाइनेंशियल्स में, प्रोजेक्शन में 2% का बैड डेट डाला हुआ है, बट अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ। 2% इज वेरी लो, तो आई मीन यू आर लकी, बट ये प्लीज आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जैसे आप स्केल करेंगे 2 इश्यूज होंगे। एक तो इफ यू आर वेटिंग कि उनको पैसे मिले फिर आपको मिले, बैड डेट्स बढ़ेंगे, विच इज अ डायरेक्ट हिट टू प्रॉफिट। और सेकंड प्रॉब्लम ये होगा कि आपका वर्किंग साइकिल जितना स्ट्रेच होगा,
आपके कैश फ्लो में इतने इश्यूज आएंगे. सेकंड, कंपटीशन क्या है आपके अलावा, ये कौन करता है इंडिया में? सो नोबडी इन एशिया व्हेन इट कम्स टू क्लेम रेजोल्यूशन. ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो और प्लेयर्स कैसे? पॉलिसी बाजार क्यों नहीं करेगा ये चीज? पॉलिसी बाजार करेगा ये? हाँ जी, सो पॉलिसी बाजार क्योंकि बेचता है, आप एक तरफ बेच के दूसरी तरफ रिजोल्व नहीं कर सकते. क्यों? कस्टमर सर्विस कर रहा हूँ ना मैं. मैंने बोला मेरा एक्स कंपनी का प्रॉब्लम है, आपने वो सॉल्व किया, फिर आप क्या करेंगे, मुझे वाई कंपनी बेचेंगे ना, एक्स कंपनी विल नॉट बी हैप्पी विद यू. तो सक्सेस रेट क्या है, कन्वर्जन रेट क्या है? 70% इज अ सक्सेस रेट. ओके, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर दीज रेजोल्यूशंस टू? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो इंडस्ट्री पैटर्न देखेंगे तो 6 महीने से 2 साल लग सकते हैं. हमने इसको 45 to 60 days में ऑन एन एवरेज करना शुरू कर दिया है. हमने कुछ दिनों में, कुछ घंटों में भी केसेस सॉल्व किए हैं. एक बात तो अच्छी लगी मेरे को कि आप कह रहे हो कि 70% सक्सेस रेट है आउट ऑफ द कंप्लेंट्स यू एक्सेप्ट. या तो वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होगा. बहुत जबरदस्त. जहाँ तक मेरा समझ है, आपने पिछले 3 साल में 2-3 करोड़ रुपये बनाए हैं और आप यहाँ आए हैं 1% के लिए 1 करोड़ मांगने, मतलब 100 करोड़ की वैल्यूएशन. तो आपके लिए मुझे लग रहा है ऐसा कुछ होने वाला है अगले 12 महीने में कि ये रेवेन्यू जस्टिफाई हो जाए. वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. तो क्या बात है भाई जो हमें भी समझाए. हम शुरू से बहुत अच्छा कर रहे हैं, सडनली हमारा रेवेन्यू बढ़ने लगा है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने पिछले पूरे 3 फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपये कमाया और इस फाइनेंशियल ईयर से अभी तक 1 करोड़ से ऊपर ऑल कमा चुके. पिछले महीने कितना कमाया? 22 lakh rupees. So you are growing month on month. We are growing month on month. सबसे important aspect, हमारा 80 crores अभी claim process में है, या insurance company के पास या आगे और buckets में. अब ये जैसे मैंने कहा TAT 2 to 3 महीने, अगर इसमें से 50% भी resolve हो जाता है, we are talking about another 3 to 4 crores. भाई मैंने मेरा decision बना लिया है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. आप cricket का format T20 समझते हैं? बिल्कुल. तो मेरा भी इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट मैं आपको T3 बोल के समझाता हूँ. एक होता है टीम, वो तो आप बहुत अच्छे हो. दूसरा होता है टैम, मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट. मैंने थोड़े आंकड़े चलाए, आप कुछ भी करो ना, आपका 100-125 crore से धंधा ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है. तो एक प्रॉब्लम वो है. दूसरी प्रॉब्लम है टाइमिंग. अभी जितना कैपिटल और कॉम्पिटिशन आ रहा है इंश्योरेंस में, काफ़ी इशूज़ उसी से रिजॉल्व हो जाएगी, तो ये 100 and 150 crores और भी कम हो जाएगा. तो इसी वजह से, ऑल्दो आई लव द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, मैं आपके साथ आज नहीं जुड़ पाऊंगा. आई एम सॉरी. एक तो मैं अनुपम जी से डिसएग्री करूंगी अबाउट द स्केल, क्योंकि एक चीज जो इंडिया में बहुत रेलेवेंट है, जो आपको मालूम है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत लो है, लो सिंगल डिजिट कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज. तो एज ये बढ़ेगा, आपके आंकड़े भी बढ़ेंगे. तो स्केल इज नॉट द इश्यू. मुझे करंटली जो आपके इश्यूज लग रहे हैं, वो बहुत एग्जीक्यूशन इश्यूज लग रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्विजिशन, बैड डेट, यू नो द टाइम टेकन टू रिजॉल्व. और ये सब एग्जीक्यूशन के कंपैरिजन में जो आप वैल्यूएशन मांग रहे हैं, उसमें मुझे मिसमैच लग रहा है, और उस वजह से आई एम आउट. मैं भी अपना फैसला सुना देती हूँ. जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है आपका, वो जैसे जैसे आप स्केल करेंगे बढ़ता जाएगा, मुझे ऐसा दिखता है. एंड दूसरा जो आप यहाँ पे मांग रहे हैं 1% इक्विटी फॉर 1 crore, मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है. मैं वो नंबर का मैथ ही अपने माइंड में नहीं कर पा रही हूँ आपका करंट स्केल देख के. तो उस रीज़न से आई एम आउट. मैं आपको ऑफर देती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी टीम बहुत पसंद है. और मेरी ऑफर है 1 crore for 25%, बिकॉज कन्विक्शन है. एंड ये जो कैटेगरी है, मेरी मदर ने अपना उम्बड्समैन से झगड़ा करके पैसा रिकवर करवाया था. तो हम लोग तो फाइटर हैं, बट बहुत आई थिंक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये. सो गाइस, लकी यू हैव वन ऑफर. मुझे 3 साल बाद बताइए क्या टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं, क्या विजन है कंपनी का, उसके बाद मैं आपको ऑफर दूंगा. सर हमारा विजन है इस देश के हर एक पॉलिसी होल्डर को एक ऐप प्रोवाइड करनी है कि आप अपनी पॉलिसी अपलोड करिए, 3 या 4 सेकंड के अंदर हम आपको बता देंगे कि वेदर इट विल बी रिजॉल्व्ड और नॉट. उसका सक्सेस परसेंटेज आपको बता देगा. बहुत अच्छा एक्विजिशन फनल है. हम सर्विस से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यूनिवर्स सडनली 1000 times बड़ा हो जाएगा. एवरी पॉलिसी होल्डर विल बी आवर अपॉर्चुनिटी, पार्ट 1. सेकंड,
हमने ऑलरेडी प्री सीरीज ए राउंड क्लोज कर लिया है। बहुत जल्दी बता दिया। दैट इज एट मच मच हायर वैल्यूएशन। हमने फर्स्ट जुलाई को टर्म शीट साइन करी थी एट 25 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन। कितना रेस किया? 5 करोड़। तो आपने कितना परसेंट डाइल्यूट किया उसके लिए? 20%। और यहाँ पे आके आप ज्यादा वैल्यूएशन क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जिस दिन हमने टर्म शीट साइन करी थी उससे लेके अभी तक हम 4 गुना ग्रो हो चुके हैं। आपको मैं 2 मिनट के बाद मेरा ऑफर चला जाएगा। तो जा सकता है, मैं इनसे आपको इनसे बेटर ऑफर दे दूंगा। अगर ये सबके रिएक्शन था, आपको समझ आ गया होगा कि ऑफर बहुत अच्छी है। इतना ये टेक्नोलॉजी आपकी समझ नहीं रही है। मुझे घुसना ही नहीं उसमें, बिकॉज मुझे फेथ है टीम में, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है वो लोग। ऑफर आपका वही है 25%। तो आप ये ऑफर लेना चाहते हैं? That valuation doesn't make sense to us, honestly. तो अभी फिलहाल अब एक ही शाख बाकी है इस पूरी चीज में, वो है मैं। मैं आपका ऑफर सुन के डिसाइड करूं। मेरे हिसाब से ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये कोई D2C कंपनी नहीं है। आपको लगता है कि कॉस्मेटिक्स में टेक्नोलॉजी नहीं लगती? मैं ये कोई शेयर नहीं करना चाहूंगा इसमें इन्वेस्टमेंट, मैं पूरा 1 करोड़ आपको खुद ही देना चाहूंगा। मेरा ऑफर आपको 1 करोड़ रुपए 10% के लिए है। आपके पिछले वैल्यूएशन पे 5% आता है, बट मुझे लगता है अभी आपको बहुत हेल्प की जरूरत है। We have a counter offer to you. तर इसमें काउंटर क्या करोगे? नेक्स्ट राउंड आपको 100 करोड़ का रेस करना पड़ेगा। नहीं, उससे ज्यादा का। सो वी आर वेरी श्योर 250 से करोड़ का कम। तो 250-300 करोड़ आपको रेस करने में मैं ही मदद कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या काउंटर करना चाहते हैं आप? 1.3%। Enjoy Piyush, bye bye. मैं आपको वर्स्ट केस बताता हूँ। मैं 5% लूंगा, ठीक है? मैं 5% से नीचे नहीं आऊंगा, बिकॉज आप अभी इसका मतलब आप मेरे को वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं इस पूरी चीज में, ठीक है? 5% मिनिमम लूंगा, विच इज योर लास्ट राउंड वैल्यूएशन प्री मनी। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आई विल गेट यू अ सीरीज ए डन। क्या करना है भाई? कैन वी गेट 2 मिनट्स टू? या श्योर श्योर। वेरी जेनरस ऑफर यार। इन 3 मंथ्स ही विल रेज सीरीज ए और इसका मनी क्वाड्रुपल होने वाला है। यार तुम तो 100% अलग ही को। नो नो, आई बट इट्स अ गुड ऑफर। इससे बेटर ऑफर कर दी। इट्स अ वेरी गुड ऑफर। सो टफ डिसीजन, बट फिर काउंटर ऑफर है दोबारा। 2.5% फॉर 1 करोड़। आई डोंट थिंक पीयूष, आई कैन नॉट, सॉरी, दिस इज माय बेस्ट ऑफर। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मतलब मैं पीयूष के साथ कम्पीट कर रही थी, पर यू नो 5 महीने में इतना वैल्यूएशन जंप जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसे डिसीजंस नहीं लेंगे माइंड से, तो बड़ा कंपनी बनना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा कंपनी के लिए ना बड़ा सोचना पड़ता है। ओके, सो यू आर एट 2.5%, ही इज एट 5%। विल यू कम टू 5%? पोस्ट मनी मैच करोगे 4% इनका? चलो मैं 4% में कर लूंगा डील, उससे नीचे नहीं जाऊंगा। आई एम सॉरी। डिसीजन टाइम गाइस, हां कि ना? डन। वेल डन दीपक, रवि, शिल्पा, गुड डिसीजन, सुपर गुड डिसीजन, सुपर। एंड बहुत लाखों करोड़ आप इंडियन मिडिल क्लास लोग के बचाएं, ये हमारी रियली आपसे होप एंड एक्सपेक्टेशन है। आई लव द लोगो, ये छतरी टू गिव द प्रोटेक्शन, नो इट्स ब्यूटिफुल। सुपर, कांग्रेचुलेशंस गाइस, ऑल द बेस्ट। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.